विश्व हैंड वॉशिंग डे पर लाखों हाथ एक साथ धुले। कोरोना को हराने के लिए सब एक साथ आए। जन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अफसरों ने सामूहिक रूप से हाथ धोकर लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश दिया। विश्व हैंड वॉशिंग डे पर आम लोगों ने हाथ धोने की मुहिम में बढ़ चढ़कर शामिल होकर कोरोना को यूपी में मात देने के सीएम योगी के अभियान हाथ धोना रोके कोरोना को बल दिया। अस्पताल, स्कूल, सरकारी व निजी कार्यालय, खेल के मैदान से लेकर विधानसभा सचिवालय तक गुरुवार की सुबह 10 बजने के साथ नज़ारा कुछ अलग था। मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग एक साथ साबुन से हाथ धुलते नजर आए। अफसर हों या कर्मचारी या जनप्रतिनिधि और समाज सेवी, सभी स्वस्थ यूपी स्वच्छ यूपी की सीएम योगी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। सुबह 10 से 12 बजे तक हाथ धुलने का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान हैंड हाइजीन विषयक प्रशिक्षण, हैंड वॉश का प्रदर्शन, स्वच्छता विषयक पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। वो तो उसके एक्सपर्ट भी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। हैंड वॉशिंग का एज ए बिहेवियर बहुत बड़ा रोल है और विशेष करके अभी कोरोना के समय में हम जानते हैं कि जो भी संक्रमण जाता है शरीर में उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारा हाथ है। जब हम किसी संक्रमित सरफेस को छूते हैं, सतहों को छूते हैं, या हम किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तो हमारे हाथ पर वो वायरस आ जाता है, विषाणु आते हैं और वो विषाणु फिर हमारे मुंह, आंख और नाक के रास्ते हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। बातचीत करने में जो सीधे भी जो ड्रॉपलेट्स हैं जो मुँह और नाक से निकलते हैं या छींकने खांसने पर सीधे भी वो जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता यही हाथ के द्वारा ही होता है। अगर हम अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखें और कम से कम 30-40 सेकंड तक अपने हाथ को अगर हम साफ करें तो संक्रमण हाथ से बिल्कुल चला जाता है, हट जाता है, विषाणु नहीं रहते और कोरोना के संक्रमण की चेन टूट जाती है। और हाथ धोना भी केवल एक जब हम इस दृष्टिकोण से हाथ धोते हैं कि हमारे हाथ पर कोई विषाणु न बचे, तो ये अपने आप में भी एक साइंटिफिक तरीका प्रक्रिया है जिसमें कि 6 स्टेप्स हैं, जिसको हम सुमन के रूप में जानते हैं, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, नाखून, अंगूठा, कलाई, सबको धोते हैं और 35-40 सेकंड धोते हैं। और जो हाथ धोना है ये केवल कोरोना के लिए ही नहीं आवश्यक है, ये कई अन्य बीमारियों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है उसको रोकने में। जैसे जो बच्चों में डायरिया, डिसेंट्री होती है, वो भी इसी रास्ते से इसका संक्रमण होता है। ऐसे ही अब तो पोलियो नहीं रहा, लेकिन जब पोलियो होता था देश में तो पोलियो को रोकने में भी इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पोलियो का भी जो रूट होता है वो फीको ओरल रूट होता है, जो शौच के माध्यम से या उससे फिर हाथ से होकर के वो जाता था, तो हाथ धोना उसमें भी बहुत आवश्यक था। तो हैंड वॉशिंग जो है ये बहुत ही अच्छा बिहेवियर है और हम ये समझ सकते हैं, ये भी हम मान सकते हैं कि कोरोना ने एक ऐसा हमको व्यवहार परिवर्तन का एक अवसर दिया पूरे समाज में, जिससे कि भविष्य में भी आने वाली बहुत सारी बीमारियां बहुत कम हुआ करेंगी और जो हमारा नवजात शिशु दर है, मृत्यु दर है, इन सब पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और सूचना विभाग ने एक बहुत अच्छा एक हैशटैग बनाया है, हाथ धोना रोके कोरोना, और सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को, सभी अधिकारियों को इसके लिए सूचित कर दिया गया है कि आज 10 बजे से 12 बजे तक वो 10-10 के समूहों में हाथ धुलवाएं और उसकी फोटोज और वीडियोज जो है उसको वो अपलोड करें। तो आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, व्यवहार परिवर्तन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए हमें समय दिया है, हम उनके आभारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के आभारी हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हमें आशीर्वाद चाहिए। वर्ल्ड हैंड वॉश डे के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिवगण,
डिटॉल इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित महानुभाव, वर्ल्ड हैंडवाश डे के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हैंड वाशिंग का क्या महत्व है यह हम सब एक सामान्य दिनचर्या के रूप में परिवार के अंदर इसके महत्व को जानते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत बार लोग इन सभी घटनाओं और इस महत्वपूर्ण क्रियाकलाप से दूरी बना लेते हैं और उसका परिणाम हमारे सामने अनेक बीमारियों को अपनाने के रूप में सामने आ जाता है। हैंडवाशिंग का महत्व इस वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने समझा है, जाना है। यद्यपि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले से ही इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं, इसके बारे में उनकी चेतावनी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछली एक सदी का जो सबसे तीव्र संक्रमण COVID-19 के रूप में हम सबको देखने को मिला है, इस कालखंड में आपने इस बात को देखा होगा कि सामान्य जो हमारी दिनचर्या है इसमें हैंड वॉशिंग का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी बीमारी के उपचार के लिए हम सावधानी बरतते हैं। यानी रोग के संक्रमण को रोकने की हर एक स्टेज पर उसका पालन करना और यह हैंड वॉशिंग से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज 15 अक्टूबर की तिथि वर्ल्ड हैंडवाश डे के रूप में आज पूरी दुनिया मना रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में आम जनमानस को जागरूक करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज सूचना विभाग ने तो इस अवसर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ही है पूरे प्रदेश में, लेकिन प्रावधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग के प्रमुख सचिव ने यूराइस पोर्टल के माध्यम से 20 लाख तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं और सकाय सदस्यों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने एक विशिष्ट कार्यक्रम को भी आज इसके साथ जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि हम सामान्य आदत को एक मनुष्य के रूप में ठीक करने का प्रयास कर लेंगे तो अनेक प्रकार की इस प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। और खासतौर पर जब कोरोना का संक्रमण काफी तीव्रता के साथ एक बड़ी आबादी को अपने आगोश में ले रही हो, उन स्थितियों में सावधानी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आज के इस अवसर पर अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के साथ हम सब जुड़ करके प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा स्वच्छता को बनाने के इस अभियान के साथ जुड़ सकें। वर्ल्ड हैंडवाश डे के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
हम सब इन सभी घटनाओं को, जो सामान्य घटनाएं दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, लेकिन इसके महत्व बहुत बड़े हैं, इन घटनाओं को अपना करके एक स्वस्थ और आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकें, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर सभी को अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा सर, आपकी ट्वीट आज प्लीज। ये सर ये दो कर रहे हैं, तो ये 6 लाख साबुन उपलब्ध करा रहे हैं वितरण करने के लिए, तो वो कई दर्जनों को उसको भेज रहे हैं। और सर ये विशेष विशेष उन्होंने बच्चों के लिए सर ये बनाया, इसको हम प्राइस देंगे सर जो सबसे अच्छे सफाई का पूरा टेम्पल बनाया और ये है सर। और ये किट अलग से है जो डेटॉल और आईटी फाउंडेशन दोनों मिलकर ही करना है सर। बहुत सुंदर। और सर 4 लाख साबुन गोरखपुर अभी हम लोगों ने भिजवाए थे, 6 लाख साबुन और 6 लाख साबुन सर गोरखपुर में रवि जी और भिजवा रहे हैं, और 1 लाख मास्क भी सर सभी को भिजवाइए, सभी लोगों को दीजिए, इसको हर लोगों तक पहुंच सके उसके रास्ते। उसमें सर ये ऑक्सीमीटर और ये मतलब सर हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने राधा जी से कहा है कि पूरा रिकॉर्ड 12,57,000 लोगों का आप होने का, हम उसको क्रॉस कर लेगा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 20 लाख के बच्चे हैं उनके यहाँ पोर्टल पे, बाकी हमारे पास जैसे ये एक्स्ट्रा कौन हुआ है ना बस इसी को लेके इसी को हाथ धोना रोक के करो ना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।